महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पिछले दिनों हुई छात्राओं की हड़ताल के बाद शिक्षा विभाग द्वारा जांच टीम बनाई गई है। जांच में यह देखा जा रहा है कि स्कूल में चलने वाली मैनेजमेंट टीम और शिक्षकों का छात्राओं के प्रति किस तरह का बर्ताव है। वहीं इन मामलों में स्कूल की प्राचार्य और शिक्षकों के बीच चल रहे आपसी विवाद की बात भी सामने आई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों में चल रहे विवाद का खामियाजा अब छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्राचार्य ए त्रिवेदी और शिक्षिका पूर्णिमा मिश्रा के बीच चल रहे विवाद ने अब बड़े विवाद और स्कूली राजनीति का रूप ले लिया है। वहीं दोनों के बीच अब स्कूल की प्राचार्य की सीट आड़े आ रही है, ऐसी बात सोमवार को सामने आया है। वहीं जांच टीम की गैर जिम्मेदाराना रवैया को देखते हुए अब लेन देन की बातें भी सुनने को मिल रही है। छात्राओं का कहना है कि प्राचार्य ए त्रिवेदी छात्राओं से कोरे कागज में साइन करवा रही है और साथ ही साथ बच्चों को रुपए की लालच देकर अपने तरफ खींच रही है और अपने खिलाफ बात करने मना कर रही है। हम लोगों से पूछा गया है कि हमारे स्कूल की सफाई व्यवस्था कैसी है, हमारे प्रिंसिपल का व्यवहार कैसा, तो जो सच था वो हमने बोला है कि ना ही तो हमारे प्रिंसिपल का व्यवहार अच्छा है और ना ही हमारे स्कूल की साफ सफाई अच्छी है सामान्य स्कूलों की अपेक्षा, और हम अपनी बात पर हमेशा डटे रहेंगे। हमको ऐसे प्रिंसिपल नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। कई क्लासेस में बोला गया है, अब लड़कियां उससे पूछेंगे तो उनसे पता चलेगा। क्या बोला गया है? कि यदि वो पैसे प्रिंसिपल के पक्ष में रहती हैं तो उनको 200 रुपये दिया जाएगा। ऐसा दी क्या मैडम, दी है क्या अभी तक? अभी तक दिया नहीं गया, उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है और कई लोगों से साइन भी कराया जा रहा है क्लासेस में, ऐसा भी बोला गया लड़कियों के द्वारा। हमारे क्लास में अभी तक तो प्रिंसिपल पहले हमारा हालचाल पूछने नहीं आती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है तब से रोज सुनने को मिल रहा है कि हर लड़कियां बता रही हैं कि आज हमारी क्लास में प्रिंसिपल मैडम आए थे और ये पूछ रहे कि हर पहले तो हमसे कोई चर्चा नहीं होती थी और ना ही हमको हमेशा थप्पड़ मारने से ही बात बोला जाता था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी माँ है ना, हम तुम्हारी माँ जैसी, हमको प्रॉब्लम बता, अब ये सब बोला जा रहा है। इधर प्रचार का कहना है कि शिक्षिका पूर्णिमा मिश्रा द्वारा सभी छात्राओं को भड़काया जा रहा है और सभी छात्र प्रचार के खिलाफ में है। जांच चल रही है, मैडम आ रही है और जांच हो रही है, सबसे पूछा जा रहा है, वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। अब यही पूछा जा रहा है कि भाई जैसे तो मैडम ने आरोप लगाया कि मैंने अभद्र व्यवहार किया, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। मैंने उन्हें स्पष्टीकरण दिया था और ये स्पष्टीकरण उनके अभद्र व्यवहार के लिए दिया था, और इसमें जो है छात्राओं का आगे आना और उनको इस ढंग से वो करना है तो गलत है। दूसरी तरफ शिक्षिका पूर्णिमा मिश्रा द्वारा अपनी सफाई में प्राचार्य द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए, ये तो इंक्वायरी का विषय है, बच्चों ने पहले ही आवेदन दिया हुआ है कलेक्ट्रेट में, जिसके आधार पर इंक्वायरी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और नीर का छीर करना तो उन्हीं के हाथ में है। मैडम के सारे आरोप निराधार हैं, वो तो जो सच है वो सामने आता है। पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, सब चीज़ें ऐसे अच्छी संस्था में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे स्कूल में हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं और वहाँ पर बच्चे यदि इस प्रकार से करते हो तो गलत है, लेकिन ये इस स्थिति तक बाध्य करने के लिए प्राचार्य भी कहीं ना कहीं दोषी हैं जो बच्चों को इस तरह से सामने आना पड़ा, तो ये स्थिति तो नहीं होनी, एक अच्छी संस्था में तो नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राचार्य और शिक्षकों के बीच चल रहे विवाद का असर छात्राओं पर पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।